मध्य प्रदेश के करही में महिष्मती बोलबम कांवड़ यात्रा संघ की बैठक बुधवार को पाटीदार धर्मशाला कतरगांव में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए यात्रा संयोजक ने कहा कि कांवड़ यात्रा के द्वादश वर्षीय कुंभी आयोजन में क्षेत्र के प्रत्येक शिवालय का जलाभिषेक होगा। इस 3 दिवसीय आयोजन की शुरुआत 7 अगस्त से होगी। इस वर्ष कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए, कोरोना के नियमों के सारे पालन करते हुए हम इस कांवड़ यात्रा को मेरा गांव मेरा तीर्थ के माध्यम से निकालने जा रहे हैं। यह कांवड़ यात्रा 7, 8 और 9 में हमारे 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। पहले दिन नर्मदा जी का दुग्ध अभिषेक होगा और अभिमंत्रित किया जाएगा उन कलशों को, जो कलश गांव गांव जाएंगे। वो कलश गांव जाने के बाद में जलाभिषेक होगा 9 तारीख को और 8 तारीख में हमारा वृक्षारोपण और ध्वजारोहण होगा। 9 तारीख को कलश की यात्रा निकलेगी प्रत्येक गांव में और कलश यात्रा निकलने के बाद में जलाभिषेक होगा। ऐसा कुछ कार्यक्रम हम लोगों ने इस बार बनाया। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।